नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे से वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इस बार देश की जनता सातवें चरण के मतदान में भी लगातार यहाँ पर तानाशाही के खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में और बेरोजगारी के खिलाफ में मतदान कर रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस नेता को यहां पर देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसके साथ ही पहली बड़ी खबर जो आ रही है दोस्तों, बताते चलें आखिरी चरण का मतदान भी शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, 8 राज्यों की 57 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। वोटरों की लंबी लंबी कतारें बूथ पर देखने को मिल रही है। जानकारी के लिए बताते चलें आप लोगों को, यहां पर इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत यहां पर दांव पर लगी है, जिसमें पीएम मोदी वाराणसी से हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती सहित कई दिग्गजों की किस्मत इस चरण में दांव पर लगी है। 4 जून को नतीजे जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। पीएम मोदी यहां पर कुछ समय के लिए कन्याकुमारी क्या चले गए ध्यान के लिए, या कह लीजिए यहां पर चुनावी स्टंट के लिए, तो यहां पर बीजेपी उत्तर प्रदेश ने तो अमित शाह को ही प्रधानमंत्री बता दिया है। जी हां दोस्तों, बताते चलें बीजेपी उत्तर प्रदेश ने ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित जनसभा को उप मुख्यमंत्री यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ पर स्मृति ईरानी ने संबोधित किया है। ये बीजेपी उत्तर प्रदेश ने ट्वीट किया है और जिस पर लोगों ने तंज कसना भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या अगले, लोगों ने ये यहाँ पर सवाल पूछा है। देख सकते हैं कि पहले ही केजरीवाल यहाँ पर बता चुके हैं कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती भी है तो कुछ समय के बाद में देश के प्रधानमंत्री अमित शाह बना दिए जाएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये यहाँ पर केजरीवाल का कहना था दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बताते चले आज दोपहर 3 बजे इंडिया गठबंधन दलों की दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के आवास पर होगी ये महत्वपूर्ण बैठक। संभावित रिजल्ट और परिस्थितियों पर होगा यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बैठक में मंथन, और इसमें यहाँ पर कई बड़ी पार्टियां और जितनी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है सभी पार्टियां शामिल होंगी। कल केजरीवाल को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरेंडर करना है, इसीलिए ये आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुला ली गई है दोस्तों। इतना ही नहीं, आप लोगों को यहाँ पर बताते चले कांग्रेस के अध्यक्ष ने बैठक से ठीक पहले कहा प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी मेरी पहली पसंद है। खड़गे का बड़ा बयान। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी के नाम की पैरवी की है। उन्होंने कहा है कि यदि इंडिया गठबंधन इस चुनाव में भाजपा को हरा देता है तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पसंद होंगे। ये यहां पर खड़गे ने बड़ा बयान जारी किया है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग भी खड़गे के बयान से सहमत हैं और मानते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले क्या कुछ अपडेट आ रही है। देख सकते हैं कि आज शाम को एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो जाएंगे। जैसा कि सभी को पता है कि गोदी मीडिया को आंकड़े यहां पर मिल चुके हैं भाजपा की तरफ से कि कितनी सीटें दिखानी है ताकि माहौल बनाया जा सके। इसी क्रम में आप लोगों को बताते चले चुनाव एनडीए के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। जो यहाँ पर गोदी मीडिया दिखा रहा है वो बिल्कुल भी सच्चाई जमीनी हकी नहीं है। 2024 में एनडीए निश्चित रूप से निम्नलिखित राज्यों में कम से कम कई सीटें यहां पर खोने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं वो कौन से राज्य हैं जहां पर एनडीए या बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। कर्नाटक में कम से कम 14 सीटों का नुकसान भाजपा को हो रहा है, महाराष्ट्र में 23 सीटों का नुकसान हो रहा है, बिहार में माना जा रहा है कि 19 सीटों का तगड़ा नुकसान भाजपा को हो रहा है, यूपी में 15 सीटों का, राजस्थान में 11, हरियाणा में 5 सीटों का, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर को मिला लें तो 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है।
है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिला लें तो 6 सीटों का नुकसान, दिल्ली में 3 सीटों का, पश्चिम बंगाल में 6 सीटों को नुकसान यहां पर बीजेपी को हो रहा है और अन्य 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर के 2019 चुनाव में एनडीए को कम से कम यहां पर अगर तुलना की जाए 2019 से तो यहां पर 2024 के चुनाव में 111 सीटों का नुकसान तय है। आप लोगों को यहां पर बताते चले, इस जमीनी ओपिनियन पोल में बताया गया है कि तकनीकी रूप से आंध्र प्रदेश के अलावा कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हो, वहां पर भी 1-2 सीटें ही बढ़ सकती हैं। और इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के 250 से अधिक सीटें जीतने की कोई भी संभावना ही नहीं है, जिसका सीधे तौर पर मतलब है बीजेपी 215 के नीचे 2024 में सरकार में बदलाव निश्चित है और बस समय की बात है। ये यहां पर दोस्तों इस ओपिनियन पोल में बेहद ही चौंकाने वाला दावा किया गया है कि बीजेपी 215 पार नहीं हो रही है और एनडीए को मिला लें तो 250 पार नहीं, यानी कि बहुमत से काफी पीछे। अगर एनडीए को बहुमत नहीं है तो यहां पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि लगातार यहां पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े आप लोगों को दिखाए जाएंगे वो पूरी तरह से गोदी मीडिया के द्वारा ही बनाए गए हैं, वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, ये यहां पर सभी विपक्षी दलों का भी मानना है। मुंबई सट्टा बाजार जो कई मौकों पर कई बड़े चुनावों में सच यहां पर साबित होता है, वो तो इंडिया गठबंधन को 348 सीटें दिखा रहा है मुंबई सट्टा बाजार, और कहना है कि प्रचंड बहुमत के साथ में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नतीजे 2004 की तरह ही चौंकाने वाले होंगे। इतना ही नहीं, आज यहां पर चुनाव का आखिरी चरण है और यहां पर शाम से ही गोदी मीडिया अपने एग्जिट पोल दिखाने लगेगी। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बेहद ही अच्छा फैसला लिया है, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता एग्जिट पोल बहस में टीवी चैनलों पर नहीं जाएंगे, यह बेहद ही खूबसूरत निर्णय लिया गया है। इसकी वजह है कि गोदी मीडिया अपने एग्जिट पोल के माध्यम से वही सब दिखाने की कोशिश करेगी जिसकी यहां पर उसको यहां पर सीधे तौर पर स्क्रिप्ट दी गई है। इतना ही नहीं, खबर आ रही है कि गोदी मीडिया अपने एग्जिट पोल के माध्यम से वही सब दिखाने की कोशिश करेगी जिससे कि कोई हेर फेर के बाद भी हर कोई कहे कि एग्जिट पोल तो यह आंकड़े पहले से ही बता रहा था, यानी कि अगर गड़बड़ भी कर ली जाए तो यहां पर कोई भी शक ही ना हो। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो चेतावनी भी जारी कर दी है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा कि प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे एक बेहद ही जरूरी अपील कर रहा हूं, आप सब वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आइएगा। दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि शाम को चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर ये कहलवाना शुरू कर देंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। इतना ही नहीं, ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाजपा को इस 2-3 दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके जवाब में हम आपको यहां पर कहना चाहेंगे, बता दें कि ऐसा झूठ फैला करके भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं जिससे कि आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय ना रहे, जिसका फायदा उठाते हुए भाजपा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। ध्यान रहे, जो भाजपाई चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कोर्ट के द्वारा लगवाए गए कैमरों के सामने धांधली करने का बेशर्म दुस्साहस कर सकते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला घोटाला करने के लिए उतारू हो सकते हैं। इसलिए ये सजगता बेहद ही जरूरी है। इसलिए आप लोगों से ये विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आए और पूरी तरह से चौंक
प्रसन्ना रहते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें और जीत के अपने मूल मंत्र मतदान भी सावधान भी को याद रखते हुए जीत का प्रमाण पत्र लेकर भी संविधान लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्सव मनाएं। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का, यानी कि सीधे तौर पर उनका कहना है कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए इसलिए स्ट्रांग रूम पर तो नजर रखनी ही है और सातवें चरण में वोटिंग के दौरान भी नजर रखनी है, लेकिन इसके बाद में जब यहां पर वोटों की गिनती की जाएगी उस दौरान भी पूरी तरह से नजर बनाए रखनी है इन बेईमानों पर। यह कहना है अखिलेश यादव का। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।